अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इतने मज़े का गेम बनाने वाले हैं जो चीज़ें हम सब के घरों में मौजूद हैं, सो स्टे ट्यून्ड। तो गेम बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड के दो पीसेस को मैंने ग्लू गन से स्टिक कर दिया ताकि थोड़े से हार्ड हो जाएं, और ये कैटरपिलर का मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया है। और इसको मार्कर से आप इसको बिल्कुल अच्छे से कोई कैटरपिलर बना लें, ट्रेन बना लें, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे, इस तरह का आप इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राइंग कर लें। और फिर ये मैंने बॉटल कैप्स लिए हैं अलग अलग कलर्स में। अच्छा, इसमें ये करना है कि ये थोड़ा सा जो इसका रफ एरिया ना, आप इसको सैंड पेपर से, जो कि रेगमाल होता है, उसको अच्छी तरह से इसको रगड़ के बिल्कुल उसको स्मूथ कर लें ताकि हमें स्टिक करने में आसानी हो जाए। और फिर इसको ग्लू गन से अच्छी तरह से इसको स्टिक कर दें इसके ऊपर सारे। अच्छा, ये जो गेम बनाया है ये मैंने सीक्वेंसिंग और पैटर्न्स की वजह से बनाया। तो यहाँ मैंने कुछ शीट्स बना दी हैं अलग अलग कलर्स के सीक्वेंसेस इसमें बना दिए हैं, और उसको जो है मैंने स्कॉच टेप से लैमिनेट कर दिया। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको करें या नहीं करें, या ये बनाएं भी, ये भी आपकी अपनी चॉइस है ऑनेस्टली। और ये मैंने अलग अलग कलर्स सारे इसमें अलग अलग पैटर्न्स बिल्कुल बना दिए। तो ये देखें, ये मैंने घर की ही आई हुई चीज़ों को इस्तेमाल किया है। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके घर में जो चीज़ें आप वो इस्तेमाल करें, कुछ भी आपको बाहर से ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर में मौजूद हैं जिन चीज़ें, उससे आप बहुत अच्छा बच्चों के लिए कोई ना कोई गेम बना सकते हैं। अब ये मैंने एक स्ट्रिप लेकर उसको सेट करके उसका पैटर्न बनाया है। अब दूसरा स्ट्रिप लेंगे और उसको उसके कलर्स के हिसाब से उसको मैच कर देंगे। एंड दिस इज़ द गेम। हाय, ये देखें, ये कौन सा कलर है इसके अंदर? रेड कलर है ना, रेड कलर ढूंढ लें। रेड वाला कैप लगाएंगे इधर। हाँ, पहले रेड है ना, पहले रेड वाला कैप लगाएंगे। ये लगाएं इधर, इसमें लगाइए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाइए। अब इसके बाद कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज में फ्लावर बना रही हैं आप? कहाँ है? इसमें लगाएं, एक मुझे दे दें। ग्रीन, येलो, वेयर इज येलो? वेयर इज येलो? दिस इज येलो। फ्लावर्स बनाने में बहुत मजा आ रहा है ना सनू? हां, यू आर हैविंग फन? ये मेरे लिए है ना? जज़ाकअल्लाह।